बच्चों, कक्षा चार में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हुदहुद। हुदहुद से क्या तात्पर्य है? हुदहुद माने क्या है? हाँ, सही कहा, हुदहुद एक पक्षी का नाम है। क्या आप हुदहुद पक्षी को देखना चाहोगे? देखिए, हूपू आर कलरफुल बर्ड्स found across Asia, Africa and Europe, notable for their distinctive crown of feathers. The hoopoe is named after its call. It is the national bird of Israel. तो ये है हूपू। बच्चों, क्या आपको कहानी पसंद है? हाँ, तो मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में बताया गया है कि हुदहुद को कल्की कैसे मिली। ये है हुदहुद पक्षी, इसे ये कल्की कैसे मिली। तो चलो कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार सुलेमान नाम के एक बादशाह अपने उड़ने वाले उड़न कठोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे। बहुत गर्मी थी और वे गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो बहुत छोटे हैं और हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सुलेमान बादशाह आगे बढ़े और फिर उनकी मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। हुदहुदों के मुखिया से भी उन्होंने मदद मांगी। वे बहुत चतुर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान पर छाया कर दी। सुलेमान बादशाह बहुत खुश हुए, वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। देखिए, सुलेमान बादशाह अपने उड़न कठोले पर बैठे हैं और पहले उनकी मुलाकात गिद्धों से हुई। गिद्धों से उन्होंने छाया करने को कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर आगे बढ़कर उनकी मुलाकात किससे हुई? हाँ, हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो मुखिया ने उनकी सहायता की और सुलेमान बादशाह बहुत प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा, क्या कहा, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद बादशाह से बताया, बादशाह हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। तो क्या वरदान मांगा मुखिया ने? मुखिया ने ये वरदान मांगा कि सभी हुदहुदों की के सिर पर सोने की कलगी निकल आए। बादशाह ये सुनकर हंस पड़े और बोले, मुखिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि इसका फल क्या होगा? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करने के बाद यह वर मांगा है। तो बादशाह ने हुदहुदों के मुखिया की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और क्या हुआ, तब सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। बच्चों, पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ, जैसे ही लोगों ने सोने की कलगी देखी तो वे क्या करने लगे, वे तीर से हुदहुदों को मारने लगे। किसलिए मारने लगे? सोने के लिए। हाँ, वे हुदहुदों को तीर से मारने लगे और सोना इकट्ठा करने लगे। अब क्या हुआ, मुखिया घबरा गए और वे हुदहुदों का वंश समाप्त होने लगा। मुखिया बहुत चिंतित थे। वे फिर से सुलेमान बादशाह के पास गए और कहा, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में तुम्हें चेतावनी दी थी। तो सुलेमान बादशाह ने क्या कहा, खैर, घबराओ मत, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं,
सुंदर पर्व का हुआ करेगा और तभी से हुदहुदों के सिर पर पारों का यह ताज शोभा पा रहा है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो हुदहुदों को कल की इस प्रकार मिली। तो बच्चों, अब चलो हम इसका अंग्रेजी सारांश देखते हैं। वंस अ बादशाह नेम्ड सुलेमान वाज ट्रैवलिंग बाय हिज फ्लाइंग मशीन। इट वाज वेरी हॉट दैट डे एंड ही वाज टोटली एग्जॉस्टेड। ही आस्क्ड द वल्चर्स फ्लाइंग दैट वे whether they could provide shade to him. The vultures refused to do so by saying that they were too small and they didn't even have feathers around their neck. He continued his journey. After a while, he met some hoopoe birds flying along this way. He asked them for the shade. Being very happy at his deed, Badshah offered him to grant a boon. He asked the bird to demand any wish he needed. Excited, the bird demanded to change the crest at the head made of gold. Hearing the bird's wish, Badshah hesitated a bit and asked him to think again. But the bird stuck on the decision and demanded for the same. Suleiman warned the bird about the result of the boon he asked for. He granted the wish. Everybody was happy and excited at the golden crest. But do you know what happened? Everyone started hunting this hoopoe bird for their golden crest. The species of hoopoe started perishing. Being petrified, the leader met the Badshah again and demanded him to take the boon back. Badshah consoled the birds and agreed to take the boon back. He then blessed the birds to have the crest made of beautiful feathers. Everyone was very happy. Dear children, this is how hoopoe birds have the beautiful crest at their head. तो बच्चों, अब शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। परेशान, worried. पंखों, feathers. गर्दन, neck. मुखिया, leader. चतुर, clever. सहायता, help. इकट्ठा करके, gathered. प्रसन्न, happy. इच्छा, desire. सलाह, advice. वरदान, boon. सिर, head. फल, result. परामर्श, consultation. खूब, plenty. प्रार्थना, request. स्वीकार, accept. तीर, arrow. वंश, dynasty. घबराकर, terrified. चेतावनी, warning. तो बच्चों, ये है आपके पाठ में आए शब्दार्थ। तो बच्चों, इस पाठ का बाकी हम अगले भाग में देखेंगे। तो सबको मेरा धन्यवाद।